इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना की दूसरी लहर का असर लगातार कम हो रहा है, लेकिन थर्ड वेव के खतरे के मद्देनजर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। खासकर थर्ड वेव में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निगरानी कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी की एक हाई लेवल मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसमें थर्ड वेव के हालात को लेकर चर्चा की जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार की तैयारी के तौर पर यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। इस मीटिंग में पीएम मोदी सबसे पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे और फिर तैयारियों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग करने वाले हैं, और उसी पर ज्यादा अपडेट के साथ देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर यह बैठक बताया जा रहा है उस लिहाज से अहम मानी जा रही है, क्या क्या बिंदु हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होगी? ये कोशिश यह है केंद्र सरकार की, अपनी मोदी बार बार इस बात को कहते रहे हैं सेकेंड वेव के बाद से, कि थर्ड वेव की आशंका को ध्यान में रखते हुए ये बहुत जरूरी है कि हर एक जिला ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर एक तरह से आत्मनिर्भर रहे, और उसके लिए जो जो व्यवस्था की जानी चाहिए वो राज्य सरकारों को बार बार कहा जा रहा है कि आप उस तरह के अरेंजमेंट करें और केंद्र सरकार से जिस प्रकार की मदद की दरकार है वो बताएं। तो ऐसी स्थिति में आज जब आपसे बस चंद मिनट में बैठक शुरू होगी, तो पीएम तो पहले स्टेटस रिपोर्ट लेंगे कि राज्य सरकारों को, जिन जिन राज्य सरकारों को जो जो चीज कहा गया है उसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर माफ कीजिएगा क्या कुछ किया जा रहा है, और दूसरी चीज की आगे और क्या कुछ किया जाना है। साथ ही राज्य सरकारों को अगर किसी प्रकार की आवश्यकता है केंद्र सरकार से सहयोग की, तो उसके बारे में फिर प्रधानमंत्री संबंधित अधिकारियों को निर्देश देंगे कि उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कुल मिलाकर कोशिश यह है कि थर्ड वेव से पहले ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर पूरी तैयारी कर ली जाए। देवेंद्र, तीसरी लहर की बात की जाए तो लगातार ये माना जा रहा है कि बच्चों को ज्यादा खतरा है। ऐसे में जो बच्चों का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, उनके बेड्स अलग होते हैं, क्या उसको लेकर भी कुछ अहम दिशा निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं अपनी बैठक में? और देखिए, ऑलरेडी राज्य सरकारों को सबको कहा गया है इस बाबत कि थर्ड वेव में, जैसा कि कुछ एक्सपर्ट ने अंदेशा जताया था कि शायद थर्ड वेव बच्चों के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, उस लिहाज से वैसी तैयारी सभी राज्य सरकारों की जानी चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से राज्य सरकारों को भेजी भी जा चुकी है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की भी इस मामले में पूरी नजर है कि बच्चों को लेकर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाना चाहिए, उसमें क्या प्रगति हुई है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही बैठक शुरू होगी हम एक बार आपका फिर से रुख करेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।